मशहूर टीवी शो भाभी जी घर पर हैं किमल खान सिंह यानी दीपेश भान का निधन हो गया। दीपेश शनिवार सुबह क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे, उनकी नाक से खून बह रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शुक्रवार देर रात उन्होंने अपने शो की शूटिंग भी की थी। दीपेश फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव थे और शनिवार सुबह वो जिम से आने के बाद क्रिकेट खेलने गए थे। एक्टर के निधन की पुष्टि शो के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिनीत ने की है। साथ ही में शो में टीका सिंह का किरदार निभाने वाले वैभव माथुर ने भी इस खबर को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि हाँ, अब वो नहीं रहे। आपको बता दें कि दीपेश ने दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। यहां से एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद दीपेश साल 2005 में मुंबई आए। शो में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाले दीपेश भान अपनी असल जिंदगी में शादीशुदा थे। उनकी शादी 2019 में दिल्ली में हुई थी। जनवरी 2021 में दीपेश एक बच्चे के पिता भी बने थे। इस शो से पहले एक्टर ने कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, FIR समेत बिंदास टीवी के चैंप और सुनियार चिलमार जैसे शो में काम किया था। साल 2007 में आई फिल्म फालतू उत्पटांग चटपटी कहानी में भी दीपेश ने काम किया था। इसके साथ ही वो आमिर खान के साथ T20 वर्ल्ड कप के एड में भी नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।